Dear students of accountancy of class 11th, I need your attention here. Our today's topic is stock and goods. Let's first discuss the term stock. Stock means the goods lying unsold at a particular date. For example, in a company, a date is given, target date is given to the owner of the company or the entrepreneur to sell the goods during a particular period. For example, within 1 year, within 6 months, or within a quarter, that is 3 months. But there remains some stock, some goods, products unsold at the end of the particular time or the due course of time, that those goods, those products are known as stock. So we can write here, the goods lying unsold, yani जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स कंपनी में या किसी शॉप में अपने टाइम के बाद, जहां तक उसका वो मुदत खत्म होता है, जो दिया गया होता है, उस पर्टिकुलर डेट पर जो अनसोल्ड रहे, यानी वो स्टोर रहे, जिनकी सेल न हो तो या मौजूद रहे, उनको हम स्टॉक कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डेट पर जो अनसोल्ड हो. Any unsold goods at a particular date. These are called stock. जो stock है, इसके दो types हैं. It is classified into two categories. That is, number one, stock है, इसके दो types हैं. एक है क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा है ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग एंड ओपनिंग, लेट अस डिस्कस दीज टू टर्म्स वन बाय वन. व्हाट्स मेंट बाय दिस फर्स्ट टर्म, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. When stock is meant by the unsold goods, then what is this? These are also the unsold goods. At a particular date, here the date is given. Closing stock means unsold goods at the end of the accounting year. Unsold goods at the end. At the end of what? At the end of accounting year or financial year. In case calendar year is given there, then at the end of year. Closing stock means unsold goods at the end of the accounting year. Accounting year kya hai? Wo to aapko maine already bataya hai. That is financial year, which starts on 1st April. Current year and ends on 31st March next year. For example, हमारे पास एक financial year है या accounting year है 2015-16. ये 1st अप्रैल 2015 को स्टार्ट होता है और 31st मार्च 2016 को एंड होता है. इसी 2015-16 के एंड पर ऑन 31st ऑन दिस वेरी डेट
अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड रहे यहां पर, जो इस डेट पर अनसोल्ड गुड्स रहे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। दीज आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक क्या है, अब गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट ए पर्टिकुलर डेट, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अनसोल्ड गुड्स ऑन द क्लोजिंग डेट और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज ऑन 31st ऑफ मार्च ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। What is this opening stock? If closing stock means unsold goods at the end of an accounting year, then what's meant by the term opening stock? Opening stock का मतलब है जब ये accounting year 31st March को खत्म हुआ, 31st March 2016 को ये खत्म हुआ था, और 1st April 16 को दूसरा start हो जाएगा year. फाइनेंशियल ईयर दूसरा स्टार्ट हुआ, तो जो 1st अप्रैल जो है ये ओपनिंग है, यहां पर ओपनिंग बैलेंस है। इट मींस अनसोल्ड गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी यहां पर बिगिनिंग हुई दूसरे साल की। पहले हमारे पास साल था 2015-16, ये अकाउंटिंग ईयर था, और 31st मार्च 16 पर ही खत्म हुआ। अब ये 1st अप्रैल 2016 टू 31st मार्च 2017 दूसरा साल है। 1st अप्रैल 2016 टू 31st मार्च 2017 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, और जो ये स्टार्टिंग डेट है, बिगिनिंग डेट है 1st अप्रैल, अगर इस डेट पर कोई अनसोल्ड गुड्स रहा तो उनको हम क्या कहेंगे, उन अनसोल्ड गुड्स को कहेंगे, यह है ओपनिंग स्टॉक। पहला है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है ओपनिंग स्टॉक। या आप अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए और इसका इसकी मीनिंग क्या है। अब अनसोल्ड गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब हम समझ गए कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, इन दो में अगर आपको कहा जाए, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, इफ यू विल बी आस्क्ड फॉर डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, यू मस्ट नो इट। तो आप कहेंगे अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, एंड अनसोल्ड गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर मीन्स ओपनिंग स्टॉक। अच्छी तरह मैंने आपको ये समझाया प्रैक्टिकली कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की एग्जाम्पल हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक के लिए दे दी, और 2016-17 की एग्जाम्पल इसके लिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम दूसरी टर्म पाएंगे इसी के साथ, दैट इज गुड्स। देखिए स्टॉक है अनसोल्ड गुड्स जो रहते हैं हमें एट ए पर्टिकुलर डेट, लेकिन इसमें एक बात निकलती है कि गुड्स क्या है। अगर हम कहते हैं कि द गुड्स लाइंग अनसोल्ड, अनसोल्ड गुड्स एट दिस टाइम, अनसोल्ड गुड्स एट दिस टाइम, बट व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म गुड्स। तो पहले हम इस गुड्स को भी डिस्कस करेंगे, विच इज आवर हॉट टॉपिक टूडे। What is meant by the term goods? All those articles, goods are articles, all those articles which have been purchased by the enterprise or firm for sale in the due course of time. Yes, these are the articles purchased by the enterprise, by the firm,
फॉर सेल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. यानी यहां पर क्या है, आर्टिकल्स हैं, गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम परचेज करते हैं. एक कंपनी परचेज करती है किसके लिए, सेल के लिए, लेकिन पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. यानी इसके लिए टाइम दिया गया होता है कि विद इन वन ईयर, विद इन टू मंथ्स, विद इन थ्री मंथ्स, विद इन सिक्स मंथ्स और मोर देन वन ईयर, जो भी टाइम हो, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिया गया होगा. तो उसमें एंटरप्रेन्योर को या इस एंटरप्राइज को, फर्म को, ये परचेज करने हैं आर्टिकल्स फॉर सेल, जो सेल के लिए ये परचेज किए जाए थिंग्स, उनको गुड्स कहते हैं, और ऑर्डिनेटली उनको थिंग्स या प्रोडक्ट्स कहते हैं या कमोडिटीज भी कहते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रॉ मटेरियल परचेज फॉर मेकिंग गुड्स. अगर रॉ मटेरियल हमारे पास होगा, अगर एक ओनर ऑफ द बिजनेस या एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल खरीदता है, लेकिन रॉ मटेरियल किस चीज के लिए, टू मेक देम गुड्स. अगर रॉ मटेरियल को गुड्स बनानी है मशीन के जरिए या हैंडमेड, तो फिर इनकी सेल हो जाए, उसके बाद उसकी सेल हो जाए, तो उनको भी हम गुड्स कहते हैं. यानी रॉ मटेरियल भी इसमें इंक्लूड होता है. हाँ, वन थिंग इज देयर दैट एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स. जो एसेट्स हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स, नॉट इंक्लूडेड. ये बात याद रखना कि एसेट्स गुड्स में इंक्लूड नहीं होते, इनको गुड्स कंसिडर नहीं किया जाता है. उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज, अगर हम फर्नीचर परचेज करता है एक बंदा, फर्नीचर परचेज्ड इज गुड्स, ये गुड्स है. कब? जब इसको सेल के लिए परचेज किया जाए. फर्नीचर परचेज्ड इज गुड्स फॉर ए फर्नीचर डीलर. अगर डीलर होगा, फर्नीचर डीलर जो इसकी सेल करता है, तो फिर ये गुड्स है. दैट मीन्स the stock or the articles purchased for sale, not for domestic purposes, not for personal use. हाँ, इसी तरह अगर cars purchased is goods, इनको भी goods consider किया जाएगा. अगर ये purchase करता है car dealer, purchased by a car dealer. Furniture purchased is goods by a furniture dealer या और for a furniture dealer. Car is purchased is goods for a car dealer. But a car purchased, यहां पर ये goods है, cars यहां पर goods है, लेकिन यहां पर मैं asset इसको करार दूंगा. कैसे? Car purchased by an officer for his personal use. Car purchased by a hotel owner for his personal use. Car purchased by a merchant for his personal use. This is not goods. This may be considered as assets. अगर आप अपने लिए एक कार खरीदते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, तो ये आपके पास एसेट है. इसी तरह एक ब्राइड के लिए अगर गोल्ड लाया जाए, तो उसके लिए वो एसेट है. अगर गोल्ड समेत अपने सेल के लिए गोल्ड खरीदेगा, तो वहां पर ये गुड्स है. तो आपने, मुझे लगता है, अच्छी तरह गुड्स की मीनिंग भी समझ ली आज. आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स नेक्स्ट टाइम. टिल देन, गुड बाय.